तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के दो ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के बारे में, गैलेक्सी M21 जो हाल ही में लॉन्च हो चुका है। जानेंगे इस फोन के सारे स्पेक्स और दोस्तों साथ ही साथ हम देंगे हमारा ऑनेस्ट और जेन्युइन ओपिनियन गैलेक्सी M21 के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे गैलेक्सी M11 के बारे में, आपको बताएंगे हम सारे नॉन स्पेक्स, इसकी एस्टिमेटेड प्राइसिंग और लॉन्च डेट क्या होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गैलेक्सी M21 के साथ, जानेंगे इसके बॉडी और डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट में आपको फुल ग्लास का बिल्ड देखने को मिलेगा और दोस्तों इस फोन का साइड फ्रेम और बैक आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इस फोन के डाउन साइड में देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, और साइड में आपको चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जानेंगे गैलेक्सी M21 के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रिंट टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वो है 82.4%, जो कि ठीक ठाक है। और साथ ही साथ हमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगा एक्सिनोस का 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ट है 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के साथ। और साथ ही साथ आपको मिलेगा माली का G72 MP3 का GPU। तो दोस्तों प्रोसेसर इतना बढ़िया नहीं है, इसको आप डिसेंट कह सकते हैं। आप इस प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन के 670 के साथ। दोस्तों आप जानेंगे इस फोन की मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और सेकंड है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और दोनों ही वेरिएंट में हमें UFS 2.1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जानेंगे इस फोन की कैमरा के बारे में। तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ एक अल्ट्रा वाइड लेंस, और थर्ड कैमरा आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ डेप्थ सेंसर। और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इस कैमरा के साथ 210p एट 30fps या 1080p एट 30fps। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में हमें सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा f2.0 अपर्चर के साथ, और इसके साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p एट 30fps। तो दोस्तों आप बात करेंगे इस फोन के हाइलाइटिंग फीचर इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6000mAh की सुपर बैटरी मिलती है, और साथ ही साथ आपको मिलेगा 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। दोस्तों इस फोन के अदर फीचर्स के बारे में जाने तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर रियर में, और आपको मिलेगा डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, साथ ही साथ ये फोन करेगा सपोर्ट ड्यूल नैनो सिम कार्ड को। तो दोस्तों आप जानते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10.0 आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ ही साथ आपको मिलेगा सैमसंग का One UI 2.0 का स्किन अटैच। तो दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज स्पेस वाला 12,999 रुपीज में। तो दोस्तों अब हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारा ऑनेस्ट और जेन्युइन ओपिनियन। तो दोस्तों इस फोन में आपको बहुत ही बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 6000mAh की बिग बैटरी मिलेगी। और दोस्तों इस फोन का प्रोसेसर और कैमरा दोनों ही हमें एवरेज लगा। अगर हम कंपेयर करें Realme 6 से तो उसमें हमें 64MP का रियर में प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, और MediaTek का हीलियो G90T का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर हम Realme 6 से कंपेयर करें तो Realme 6 इस फोन को आसानी से बीट कर देगा परफॉर्मेंस में, और साथ ही साथ Realme में हमें 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर और कैमरा के मामले में फोन हमें डिसेंट लगा, बहुत अच्छा नहीं। और दोस्तों अगर हम सैमसंग के पुराने फोन M30S से इसे कंपेयर करें तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ्रंट कैमरा 16MP से हटा के 20MP का फिट कर दिया है, और ये एक्चुअली M30S ही है। तो दोस्तों आप बात करेंगे गैलेक्सी M11 के बारे में, आपको बताएंगे इसके सारे स्पेक्स। तो शुरुआत करते हैं बॉडी और डिजाइन से। तो फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिलेगा, साइड में और बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बिल्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.14 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ट है 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के साथ,
और साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा एड्रीनो 506 जीपी। तो दोस्तों स्टोरेज की बात करें तो आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है 3GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी। तो दोस्तों इस फोन की कैमरा की बात करें तो रियर में आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसका मेन कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल 1.9 अपर्चर के साथ और सेकेंड कैमरा आपको देखने को मिल सकता है 5 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ एक अल्ट्रा वाइड लेंस। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे इस कैमरा के साथ 1080p एट 30fps में। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा 2.0 अपर्चर के साथ और वीडियो रिकॉर्डिंग आप शायद कर पाएंगे 1080p 30fps पे। तो दोस्तों इस फोन की बैटरी बताई जा रही है 5000mAh की और साथ ही साथ ये शायद आएगी 15W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों इस फोन के दूसरे फीचर्स के बारे में बात करें तो रियर में शायद आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर, एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिलेगा और साथ ही साथ ये फोन सपोर्ट करेगा 2 नैनो सिम कार्ड्स को। तो इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो शायद आपको यहाँ एंड्रॉइड 10.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, साथ ही साथ मिलेगा इसका 1UI 2.0 का स्किन अटैच। दोस्तों इस फोन के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो रूमर्स यही है कि ये फोन आपको देखने को मिल सकता है 8000 से 10000 के बजट में और साथ ही साथ दोस्तों ये फोन लॉन्च होगा मार्च एंड या अप्रैल के मिड तक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और अगर आपको जानना है नए नए स्मार्टफोन के बारे में तो हमारे चैनल TSG यानी टेक फॉर साइंस और गेमिंग को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या साइंस के बारे में जानने के लिए या गेमिंग की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।